हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी सिविल रिलेटेड चैनल में। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड जॉब थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है, तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आज हम जानेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे एम है दोस्तों ए स्क्वेयर बट जॉइंट ऑन MS प्लेट ओवरहेड पोजीशन बाय आर्क वेल्डिंग। ठीक दोस्तों, आपकी जो भी वेल्डिंग चल रही हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आर्क, गैस, मिग्टी। ठीक है, तो मैं आपको बट जॉइंट बताऊँगा कैसे बट जॉइंट लगेगा आपका ओवरहेड पोजीशन में। ठीक दोस्तों, तो आप जाना चाहते वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी मैं बता दूँ एक बार आपको। दोस्तों आपको चाहिए ये सेट स्क्वेयर, एक पेंसिल और एक रबड़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, स्केल दोस्तों हम इससे ही काम चला लेंगे, स्केल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेट स्क्वेयर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो है ये बड़े वाला सेट स्क्वेयर है, इसके लिए हम एक जो बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन दोस्तों कैसे ड्रॉ करेंगे, आप ये जो ये पेज देख रहे हैं इस पेज के आप आधे से नीचे आ जाएँ। ठीक है, आपका आधा हो गया, आधे से नीचे आ जाएँ थोड़ा सा, और एक लाइन है दोस्तों, एक लाइन खींच दीजिए आप सीधा बिल्कुल। ठीक है, ये दोस्तों मैंने ये बेस लाइन खींच दी है। ठीक है, आप भी एक बेस लाइन नीचे खींच सकते हैं ऐसे बिल्कुल सीधी। बेस लाइन हमारा क्या काम करेगी दोस्तों, जो ये सेट स्क्वायर है इसको ऐसे सेट करके रखेगी। ठीक है, और जो दूसरे वाला सेट स्क्वायर है उसको हम आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं और चला सकते हैं ऐसे। दोस्तों ये करने के लिए हमने ये बेस लाइन बनाई है। ठीक है, तो ये हमने बेस लाइन बना दी। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको 10 mm एक डॉट लगाना है यहाँ और एक डॉट यहाँ लगाना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे बनाए, आपको बहुत ही इजीली बन जाएगा ओवरहेड पोजीशन में। ठीक है दोस्तों, मैंने फ्लैट पोजीशन बता रखी है, लेकिन हमारे एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर आप ओवरहेड पोजीशन में बट जॉइंट लगा के दिखाइए। ठीक है, तो मैं उसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपको। आपको भी जो सा जॉइंट चाहिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे कर लें। ठीक है, ऐसे करने के बाद दोस्तों आप क्या करें कि इस बेस लाइन को इससे टच करके रखें। ठीक है, ऐसा टच करने के बाद दोस्तों आपको दूसरे वाला सेट स्क्वायर लेना है। उसके बाद सर दोस्तों ये आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कहाँ से आ गया फिर से तोड़ते हैं। दोस्तों आपको ऐसे करना है और ये ऐसे टच करना है इसको। ठीक है, यहाँ आपको टच करके रखना है और यहाँ से ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको ले जाना है आपको। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर इसके इधर आगे जाके 5 पे एक पॉइंट लगाना है, यानी 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है 5 सेंटीमीटर पे, और इधर दोस्तों हम 10 सेंटीमीटर पे लगाएंगे एक पॉइंट। तो यहाँ पे हम दोस्तों 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इधर 5 पे लगाया, इधर 10 पे लगाया। दोस्तों आपको स्केल के बारे में नॉलेज नहीं था, नॉलेज थोड़ा दे देता हूँ आपको। दोस्तों ये हमारे स्केल होते हैं, ये दोस्तों आप 1 2 3 4 5 जो देख रहे हैं ये हमारे सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो ये लाइन है, एक ऐसे लाइन जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये दोस्तों हमारे mm होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 10 mm होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये वाला यहाँ से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें थोड़ा ही होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 5 पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 10 पे पॉइंट लगाया। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे। अब आपको क्या करना है कि ये वाला सेट स्क्वायर लेना है, इसको सेट करना है इस लाइन के साथ, और लाइन के साथ सेट करने के बाद इसको दोबारा हम यूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये लाइन हमने ऐसे आगे खींच दी, और ये लाइन दोबारा हम ये लाइन टच करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे इस डॉट पे, और यहाँ पे हमने ये लाइन खींच ली। ठीक है, आपको ऐसा दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है दोस्तों,
ऐसा दिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो लाइन, जो बड़ी बड़ी लाइनें हमने खींच दी है, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दी। ये लाइन हमने मिटा दी दोस्तों, और ये भी मिटा देंगे दोस्तों। ये मैंने आपको गलती से बता दी, लेकिन आप अगर चाहें तो कर सकते हैं ऐसे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। ये भी मिटा दें आप, डायमेंशन देंगे जब लाइन खींच लेंगे हम, ठीक है। तो आपका बस ये चौड़स प्लेट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसको दोस्तों हम ओवरहेड पोजीशन बनाएंगे, तो इसको ऊपर उठाएंगे, इन्हें ऊपर उठाएंगे, ठीक है। कैसे उठाना ऊपर, आपको इसको बेस लाइन से टच करना है। इसे बेस लाइन से हम ऐसे टच कर देंगे, ठीक है। इस लाइन से हमने ऐसे इसको टच कर दिया बेस लाइन से, ठीक है। अब दोस्तों ओवरहेड पोजीशन में हमें क्या करना है, इसे ऊपर उठाना है। तो ये आप ये ध्यान रखें कि ये बेस लाइन से हट लेना, यहाँ पे ऐसे टच किया और ये 90 डिग्री पे ऊपर, ठीक है। और यहाँ भी सेम यही करेंगे, थोड़ा मैं नीचे कर लूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ से ये दोस्तों ये हमारे भी 90 डिग्री, सॉरी दोस्तों हिल गई है, तो मैं ऐसे रखता हूँ तब नहीं लेगा, पहले मैं इसे ले लेता हूँ दोस्तों। 90 डिग्री पे ये रहा, और ये भी 90 डिग्री एंगल पे हम ऐसे उठा दें, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, 10 mm लेना है। यहाँ पे आपको एक डॉट और यहाँ भी एक डॉट लगा देंगे, और यहाँ भी आपको एक डॉट लगाना है। इसके बाद दोस्तों ये सारे डॉट को क्या करना है, आपको आपस में मिला देना है। इस बेस लाइन को ये ऐसे टच करके रखें इस लाइन को, ठीक है दोस्तों। ये बेस लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने पहले आपको बेस लाइन खिंचवाई थी। तो इसको हम टच करके रखेंगे ऐसे, ये जो डॉट है इस डॉट के पास और इस डॉट के पास टच करेंगे, और ये मिला दिया हमने, और इसे भी आपको मिला देना है जो डॉट है आपका। ठीक दोस्तों, आपका दोस्तों ये प्लेट ओवर हेड पोजीशन में आपका रेडी है, ठीक है। तो रेडी है तो इसको हम साफ़ करेंगे, जो भी हमारी लाइन ये है बेकार, यानी आउटर लाइन है जो, इसको हम साफ़ कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये प्लेट आपको दिख रही होगी साफ साफ। आपको क्या करना है, अब इसके इसका हमें हाफ़ करके हाफ़ करना है। तो इसका हमने 5 लिया, तो 5 का हाफ़ कितना होता है आपको पता होगा, कितना होता है, 2.5 होता है। तो हम यहाँ पर इसको 2.5 निकाल लेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे हमने 2.5 भी पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों हमें बीड लगानी एक से 10 mm की, तो एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, देन एक पॉइंट 2 पे लगाया, एक पॉइंट 3 पे लगाया। अब उसी तरह इधर भी कर लेंगे हम, इसमें से हम 2.5 लेंगे, 2.5 पे एक पॉइंट लगाया, इधर 2 पे लगाया और इधर 3 पे लगाया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें इन सारे जो डॉट को हम आपस में मैच कर देंगे, मैच यानी मिला देंगे। तो ये जो डॉट है इसके साथ ये मैच हो जाएगा, और ये डॉट इसके साथ ये मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको भी आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वी ग्रूव नहीं काटा, क्योंकि दोस्तों हमें बट जॉइंट बनाना है सिर्फ, बट जॉइंट आप ध्यान रखें, स्क्वायर बट जॉइंट स्क्वायर ही होता है दोस्तों, स्क्वायर यानी, ठीक है। तो हमें स्क्वायर बट जॉइंट बनाना था ओवरहेड पोजीशन में, तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके ऊपर वेल्डिंग बीड लगानी है। वेल्डिंग बीड कैसे लगानी है आपको दोस्तों मैं सारी वीडियो में बताता हूँ कि आप वेल्डिंग बीड बहुत ही आराम से और प्यार से लगाएं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ऐसे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने, ये आपने सी बना दिया एक तरह से, अब इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे कर दे जाए, ठीक है। हो सके तो बराबर दूरी रखें ऐसे दोस्तों, आपको लगानी है। ठीक दोस्तों, देखिए हमारी बीड कितनी अच्छी लग रही है। कोशिश करें आप भी ऐसी बीड लगाएं, ठीक है। दोस्तों जैसे हम वेल्डिंग बीड हमारी आती है, अगर आपको वेल्डिंग आपकी साफ है, तो हमारे दोस्तों बीड जो है ऐसी दिखाई देती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ तक हमारी हो गई, अब इसको भी हम कर देते हैं, यहाँ पे भी इस सेम लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे ब्लैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, उसको ब्लैक ही कर देते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टैग हो जाएगा और ये ब्लैक ही होता ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तैयार हो गया क्या, ओवर हेड पोजिशन में बट जॉइंट, ठीक है। तो अब आपको इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, यहाँ लिख दें आप साइड में, इस साइड लिख दें, ठीक है। तो ये हम बेस लाइन, अब हमें बेस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम बेस लाइन मिटा देते हैं। तो यहाँ आप लिखें नोट में, नोट ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन MM, ठीक दोस्तों। और दोस्तों आपने जो जो करी मार्किंग, कटिंग, फाइलिंग वगैरह वगैरह, दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखी है, ठीक है। तो आप वो सारे लिख सारी चीज़ें लिख सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और इसमें आपको डायमेंशन देनी, मैं बताना भूल गया, डायमेंशन आपको दोस्तों जिस प्लेट है इसके ऊपर देनी डायमेंशन आपको। दोस्तों मैं देख दिखाई देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे डायमेंशन देने में। तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है और 5 सेंटीमीटर जो आपको, सॉरी दोस्तों 5 mm, यहाँ से ये दोस्तों 5 mm आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ऊपर, ठीक है, यहाँ से इस तरह से दिखेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपको ऐसे सेम करना है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर, और यहाँ से दोस्तों ये भी सेम आपको 5 mm ऊपर, और इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इन सारी जो बीचों बीच दोस्तों आप लेंगे, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और ऐसे एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और दोस्तों इसे भी सेम, इसे भी आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसमें भी आप निकाल लें 5, जैसे मैंने ये ऊपर बताया वैसे ही इसमें भी ये 5 mm छोड़ के यहाँ तक, और दोस्तों यहाँ भी आगे 5 mm छोड़ के यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इसे भी आप कर लिया, ठीक है। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबके ऊपर एरो लगाना है। दोस्तों एरो कैसे लगाएंगे, अब दोस्तों पहले लाइन मार ले, लाइन मारने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको ऐसे एरो बनाने हैं, छोटे छोटे एरो बनाए, ठीक है, ऐसे एरो बनाने हैं आपको दोस्तों। आपको वेल्डेड ट्रेड से कोई दिक्कत होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने ले लिया, अब आपको यहाँ लिख लें 100, यहाँ लिख लें 50, यहाँ लिख लें 10, ठीक है, जैसे भी आपको सुविधा लगे ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। अगर आपके टीचर कहते हैं अंदर लिखे तो आप अंदर लिख सकते हैं, अगर आप कहते हैं बाहर लिखे तो बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो है, आपने को मैंने बताया, क्या बताया, ए स्क्वेयर बट जॉइंट ऑन MS प्लेट ओवर हेड पोजिशन बाई आर्क वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हमारा ओवर हेड पोजिशन में बट जॉइंट लग चुका है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप जो वेल्डिंग चल रही हो आपकी, आर्क, गैस, मिट्टी, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो आपको, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।